नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। योगी सरकार अपनी सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। बड़े से बड़े माफिया के घरों पर बुलडोजर चलाना हो या किसी अपराधी का एनकाउंटर करना हो, योगी सरकार ऐसे फैसले लेने में जरा भी पीछे नहीं हटती और ना ही कुछ सोचती है। आलम यह है कि अब बड़े से बड़ा अपराधी थर थर कांप रहे हैं कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा, इसीलिए वो थाने जाकर के सरेंडर कर रहे हैं कि भाई मुझे सरेंडर कर लो, नहीं तो योगी सरकार और योगी की पुलिस एनकाउंटर कर देगी। अब एक और योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मच गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से मुहर्रम के लिए प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक 19 अगस्त को प्रशासन ने किसी भी तरीके का जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है। इस बार कोविड को देखते हुए जिले में मुहर्रम जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। डीजीपी ने इसको लेकर जिले के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को मौलानाओं से संवाद बनाने, सभी महत्वपूर्ण स्थलों की चेकिंग करने, बीट स्तर पर हालातों का परीक्षण कर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। ताजिया का न जुलूस निकलेगा और ना ही करबला में मिलेगा, मतलब मेले वेले भी नहीं लगेंगे। दो दिन की संख्या में लोग ताजिया की मिट्टी लेकर करबला में ठंड करेंगे। रास्ते से अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। ताजिया चौकी की सफाई भी कराई जाएगी। उप निरीक्षक शिविनंद वर्मा, गुलफाम अहमद, महमूद आलम, अबरार अली, साउदुद्दीन आदि सभी वहां पर उपस्थित रहेंगे। हालांकि मुहर्रम की गाइडलाइन में प्रशासन की भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गाइडलाइन में भाषा के इस्तेमाल को लेकर शिया समुदाय के मौलाना इनमो में काफी गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि ये भैया गलत है, ऐसा मत करो। शिया मौलाना कल्बे सिद्दीन नूरी ने गाइडलाइन के ड्राफ्ट को तुरंत बदलने की मांग की है। मौलाना कल्बे सिद्दीन नूरी ने कहा कि मुहर्रम के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन ने शिया समुदाय के धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचाया है। इसमें मुहर्रम और शिया समुदाय में सीधे तौर पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। इस गाइडलाइन के ड्राफ्ट को तुरंत बदल दिया जाए। आपको बता दें, शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि गाइडलाइन बीते 40 साल पुरानी बातों को खुद कर शिया समुदाय पर गलत इल्जाम लगाए हैं। इसके जरिए शिया समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। मौलाना ने डीजीपी के इस पत्र को वापस लेने और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।